आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। जी स्टार्ट, मैसेलफ बाबू हुसैन मलिक, प्रेसिडेंट जेएनके जयकार। आज का जो मेन मुद्दा और मकसद है, अनामली जो काफ़ी टाइम से सरकार के इल्तवा में पड़ी है, दो इंक्रीमेंट हैं जो सरकार ने स्टार्ट किए हैं, हम कहते हैं उनको रिस्टोर करो। डेली वेजरों का जो मुद्दा है वो जेएनके में एक ज़बरदस्त मुद्दा है, जिसमें 15 से 20 साल तक चाहे कोलिशन सरकार थी तब भी उन्होंने इसको चक्की में पीसा, लेकिन आज भी देखो यहाँ पूरे स्टेट में जो पूरे जेएनके में जो है डेली वेजर जो है हड़ताल पर है। यहाँ हमारे रजौरी में एक डेली वेजर पीएचई की जो हड़ताल चल रही है, दो बंदे जो हैं वो मर गए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि कोलिशन सरकार भी जो थी तब भी मुलाजमों के ये मसले हल नहीं हुए, और आज यहाँ अगर यूटी यहाँ हमारे जेएनके को बनाया गया है तो अभी भी मुलाजमों के जो मसले हैं वो जू के तू पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं डेली वेजरों का जो मुद्दा है वो प्रायोरिटी बेस पे हल होने चाहिए, चाहे वो कैजुअल लेबर हैं, नीड बेसिस हैं, सीजनल लेबर हैं, ये जितने लोग हैं ये सरकार ने लगाए हुए हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। पिछले 2.5 सालों से लाखों फाइलें जो फाइनेंस के अंदर जो पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही, वो उसी तरह पड़े हुए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इनका जो मसला है डेली वेजरों का, पीआरटी वेस को इनका रेगुलाइजेशन किया जाए, और यहाँ अगर यूटी बनाया गया है तो उसके लिए मिनिमम वेजेस पॉलिसी जो सेंटर के अंदर है उसको लागू करना चाहिए। और जेएनके के अंदर जहाँ जो बिजली के पिछले 4 महीने से पीडीडी डिपार्टमेंट के जो मुलाजम जो हमारे हैं वो हड़ताल पर हैं, लेकिन उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारा मुलाजम यहाँ दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करता है तो ये कॉर्पोरेशन क्यों बनाए जा रहे हैं? इसमें हमारे मुलाजम जो है, कोई डिपार्टमेंट भी जो है वो हमारे मुलाजम काम करेंगे, कोई भी कंपनी इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसके साथ SRO 202 जो सरकार ने बनाया है, ये भी हम इसको भी कंडेम कहते हैं, हम कहते हैं इसको रिवोक किया जाए। जो ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसको वही सिस्टम चलना चाहिए। मेडिकल 900 जो है वो 300 रुपया दे रहे हैं, हम ये डिमांड करते हैं 2000 रुपया इसके लिए होना चाहिए। पे ग्रेड जो है, अभी अगर यूटी यहाँ बनाया गया है तो पे ग्रेड भी जो है उनमें भी डिफरेंसेस हैं, वो अगर यूटी बनाया गया है वो चीज़ें हमें भी मिलनी चाहिए जो सेंटर के मुलाजमों को मिलती हैं। तो ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं मुलाजमों के। पीएचई के मुलाजम जो है वो पिछले 11 दिन से जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी फुली उनकी सपोर्ट करती है, जितने भी जेएनके में डेली वेजर काम करते हैं फुली सपोर्ट करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद थी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हमारा जो मसले हल करेंगे, लेकिन अभी तक मुलाजमों के कोई मसले नहीं हुए। हम ये चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से और चीफ सेक्रेटरी साहब से हम अपील करते हैं कि मुलाजमों के साथ पूरे स्टेट में स्टेट एक रीढ़ की हड्डी, जो सरकार की एक रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और बैठ के मुलाजमों के साथ ये इशू जो है सेटल होना चाहिए। अगर ये मसले नहीं होते तो एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी पूरे जेएनके में जो है ये डेली वेजरों के लिए पूरी हड़ताल और संघर्ष उनके लिए साथ शाना बशाना चलेगी। हम ये कन्फर्टेशन नहीं चाहते, लेकिन ये मुलाजमों के साथ जब होगी तो इसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब मुर्मू साहब को कि इमीडिएटली ये मसले जो है डेली वेजरों को प्रायोरिटी बेसिस पे हल होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो इस पर बहुत बड़ा आंदोलन जो एम्प्लाई जॉइंट एक्शन कमेटी पूरे जेएनके में आंदोलन करेगी। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।